गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन आज एक वेट लॉस का चूर्ण लेके आई हूं, थोड़ा सा उसका अपग्रेडेड फॉर्म है बिकॉज इस चूर्ण से आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी, नेल्स बहुत अच्छे होंगे, हेयर्स बहुत अच्छी होगी और आपकी एज रुक जाएगी। यानी कि अगर आप 40 के हो तो अगर आपने इसे 6 महीने तक लगातार ले लिया तो आप 30 तक के लगने लगोगे। 30 के हो, 20 के हो तो आप 13 to 14 के इजी होके लगोगे, क्योंकि स्किन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी एज को बहुत ही ज़्यादा डिफाइन करती है और ये चीज़ आपकी स्किन में एक ऐसा ग्लो देगी कि आप सोच भी नहीं सकते और इसका रिजल्ट आपको 20 दिन में ही असर दिखाई देने लगेगा। यानी 20 दिन के अंदर ही आपकी फाइन लाइंस जाने लगेंगी, आपके यहाँ का ब्लैकनेस जाने लगेगा और दूसरी चीज़ आपका वेट इतना तेज़ी से जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मिरेकल रिजल्ट होगा आपकी बॉडी पे, बॉडी से गंदगी ढूंढ ढूंढ के निकालेगा, जहाँ कहीं भी गंदगी है बॉडी की ये निकालेगा। और क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, बहुत ज़्यादा फाइबर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने काफ़ी रिसर्च करके बनाया है और अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो वेट बहुत अच्छे से लॉस होगा, वेट मैनेज होगा, स्किन ग्लो करेगी, पेट बहुत अच्छे से क्लीन होगा क्योंकि लॉट्स ऑफ फाइबर मैंने इसमें ऐड किया है। कैसे लेना है वो वीडियो में आगे है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन लगी है, छोटी सी घंटी लगी है, उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए आपको एक पैन गर्म करना है और मतलब अच्छे से पैन को गरम कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपको इसमें फ्लैक्स सीड डालना है, यानी कि अलसी के बीज आपको जिस क्वांटिटी में आपको बनाना है उस क्वांटिटी में डालिए। यहाँ पे मैं 1/2 कटोरी जो है वो फ्लैक्स सीड डाल रही हूँ, मतलब कि आप इसे फ्री होके स्टोर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये रोस्ट किया हुआ है तो बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। और उतनी ही क्वांटिटी में आपको अजवाइन डालना है, यानी 1/2 कटोरी अगर आप फ्लैक्स सीड डाल रहे हैं तो 1/2 कटोरी आपको अजवाइन डालना है और इन दो चीज़ों को बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। अभी एक चीज़ और पड़ेगी, लेकिन जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे देन उसके बाद उस चीज़ को मैं इसमें डालूंगी। फ्लैक्स सीड के बेनिफिट्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि इसमें वो चीज़ पाई जाती है जो एक फ़िश में पाई जाती है, यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें होता है। और अजवाइन भी हमारे पेट के लिए काफ़ी बेनिफिट रहती है, अजवाइन और फ्लैक्स सीड दोनों मिलके आपके पेट के फैट को बहुत तेज़ी से मेल्ट करने वाले हैं, आपको बहुत सुंदर दिखाने वाले हैं, आपके पेट की गंदगी को ढूंढ ढूंढ के ये बाहर निकालेंगे। और इन्हें बहुत अच्छे से रोस्ट करना है, यानी कि जब अलसी के बीज चटकने लगें तब तक आपको इन्हें रोस्ट करना है, और जब ये चटकने लगेंगे इट मीन्स कि आपके जो अलसी के बीज हैं वो अच्छे से भुन गए और आप देख रहे हैं कि ये जो अलसी के बीज हैं धीरे धीरे हिल रहे हैं, इट मीन्स इन्होंने रोस्ट करना स्टार्ट हो गया है। और अलसी के बीज धीरे से फूल भी जाते हैं, यानी कि ये जो अपने साइज से बड़े हो जाते हैं तब भी आपको पता चल जाएगा कि अलसी के बीज भुन चुके हैं और साथ में अजवाइन भी अच्छे से रोस्ट हो जाएगी, अजवाइन अपना कलर बदल देगी। तो इस तरह से आपको इसे रोस्ट करना है, चलाते जाइएगा वरना ये जल जाएगा और खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा। वरना अगर आप इसे अच्छे से रोस्ट करोगे तो खाने में बहुत अच्छा सा स्वाद आएगा, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा और आप फ्री होके खा सकते हैं। इसे लेने का तरीका ये है कि जब भी आप खाना खाएंगे, दोपहर के नाश्ते के बाद, रात के खाने के बाद और दोपहर के खाने के, मतलब 3 टाइम आपको इसे लेना है, 1 टेबल स्पून भर के पूरा। टीस्पून मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं टेबल स्पून बोल रही हूँ। तो इन चीज़ों में ध्यान रखिएगा कि टीस्पून एंड टेबल स्पून दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आपको 1 टेबल स्पून इसे भर के लेना है और आप इसे 1 हफ्ते खा के देखिए, देखिए आपके साथ बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आने वाले हैं आपकी बॉडी पर इसके, और पेट बहुत अच्छा रहने वाला है और बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और इसके बाद जो लास्ट चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी वो है हींग। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाए, गैस ऑफ कर दीजिए, देन उसके बाद आपको उस गर्म कढ़ाई में ही आपको हींग डालना है, देन उसके बाद उसे ठंडा होने के लिए रख देना है। और ये मेरा जो है वो ठंडा हो चुका है और अब आपको इसे ग्राइंड करना है। मैं छोटे वाले जार में इसे ग्राइंड करूँगी, बड़े वाले जार में इतनी जल्दी ग्राइंड नहीं होगा, छोटे वाले जार में बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो छोटे वाले में अच्छे से ग्राइंड करिए,
आप इसे फ्रिज में नहीं रखेंगे तब भी काम चलेगा, बिकॉज ये रोस्ट है तो बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है, नॉर्मल वाटर के साथ नहीं लेना है, गुनगुने पानी के साथ आपको इसे खाना है। खाने मैं फिर से बोल दूं कि दोपहर के सुबह के नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद, तीन टाइम जो ये चम्मच यहाँ पे रखा हो, ये बड़ा है सॉरी, जो टेबल स्पून आता है छोटा वाला जिससे आप खाना खाते हो उतना आपको खाना है। इसे खाइए, इंजॉय करिए, जैसा भी रिजल्ट हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो के नीचे या फिर मुझे मेल करके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर। इतना इजी है इसको बनाना, जस्ट बना के लॉट्स ऑफ बहुत ढेर सारा बना के फ्रिज में ऐड रख लीजिए और उसके बाद इसे हम निकल देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।